उदयपुर में जो प्रभारी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पे जो कलंक है, वो बाहर हाथ से हाथ जोड़ों की जगह हाथ तोड़ो का काम कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ो का काम कर रहे हैं। मेरे साथ देते हूँ, उनको साल भर प्रभारी हो गया है, लेकिन मैंने आपके माध्यम से कई कार्यक्रम किए हैं। अगर प्रभारी कहीं नजर आए हों तो आप मेरे को बता सकते हैं। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। भारत जोड़ो यात्रा के आगाज के साथ राहुल गांधी 26 जनवरी तक 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आमजन को देश की बदलती राजनीति के तत्वों से रूबरू कराते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं को जीवित करने का काम कर रहे हैं। उनकी दूसरी ओर राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस में हो रही लगातार उठापटक से कहीं ना कहीं कांग्रेस तोड़ो का कार्य वरिष्ठ कांग्रेस जिम्मेदार के द्वारा किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए कौशल आमेटा, कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से रूबरू होकर कहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कौशल आमेटा के साथ पार्षद मदन सिंह बावरवाल, पार्षद गिरीश भारती, दीपक चौधरी, कांग्रेस सेवादल के उपाध्यक्ष लाल सिंह देवड़ा, विनय शर्मा, सुरेश ओदिच, सुंदर वशिटा, सुरेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष कौशल आमेटा ने बताया कि सेवादल जिला संगठक को चयन करने का और पद मुक्त करने का अधिकार AICC राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के पास सुरक्षित है, क्योंकि जब मुझे उदयपुर मुख्य संगठक बनाया गया तो लालजी देसाई का पत्र दिया गया था, तो हटाने का अधिकार भी उन्हीं का है जो वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में शहर में हुए कांग्रेस सेवादल कार्यकारिणी के बदलाव की सूचना अखबार की खबर से प्राप्त हुई, लेकिन मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसने आज से लगभग 1.5 साल पहले मुझे एक पत्र जारी कर सेवादल का संगठक बनाया, उनसे ना तो कोई कार्यकारिणी के भंग करने की और ना ही मुझे हटाने की सूचना दी गई। लेकिन उदयपुर कांग्रेस सेवादल जिला प्रभारी गोपाल नागर पिछले 1.5 साल में मेरे द्वारा किए गए कार्यों से बढ़ती लोकप्रियता और कार्यशैली से दुर्भावना रख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सेवादल को तोड़ते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करने के साथ ही राजस्थान संगठक हेम सिंह से मिल उदयपुर शहर की कार्यकारिणी में बदलाव करने का कार्य किया जा रहा है, जो वर्तमान के कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा ने गलत बताने के साथ उन्हें नियम विरुद्ध भी बताया है। साथ ही कौशल आमेटा ने यह भी कहा कि वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेंद्र ओजित को बनाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष ने अपने गठन दिवस से लगातार वर्तमान तक के कांग्रेस उन्नति के लिए किए गए कार्यों की एक बड़ी फेयर लिस्ट बताते हुए वर्तमान कांग्रेस सेवादल प्रभारी गोपाल नागर की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। अभी उदयपुर शहर में कांग्रेस सेवादल की टीम को लेकर जो गलत सूचनाएं चल रही है बाजार में, आज उसके खंडन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, मेरी नियुक्ति आज से 1.5 वर्ष पूर्व सेवादल के मुख्य संगठक लालजी देसाई ने की थी, और अभी जो बाजार में भ्रामक स्थिति फैलाई हुई है सेवादल की, उदयपुर की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ, मेरे पास अभी तक न तो प्रदेश लेवल और न ही सीट्स लेवल से कोई फ़ोन आया है कि आपकी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और आपको अध्यक्ष से हटा दिया गया है। कहीं से सूचना मिली थी कि उदयपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया है, वो स्वागत योग्य है कि भाई हेम सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बना सकते हैं, लेकिन उदयपुर में जो भ्रामक स्थिति फैली हुई है कि कांग्रेस सेवादल की कार्यकारिणी भंग हो गई है, तो ये बहुत ही गलत है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है और प्रदेश लेवल तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कार्यकारिणी भंग करनी है तो मेरे को फ़ोन करें, मैं आज ही शहर ये पद छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता कभी पद के लिए नहीं दौड़ता है। मेरे को कांग्रेस से जुड़े हुए 15 साल हो गए हैं, और जो बाजार में स्थिति जो फैलाई है कांग्रेस को अध्यक्ष पद को हटाने को लेकर, आज मैं भी कांग्रेस जुड़ा हूँ, मार्केट में मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरे को कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है। आज मेरे पर्सनल ले लीजिए या सामाजिक संगठनों से ले लीजिए, कोई मेरे को कहता तेरे को पद से हटा दिया है, लेकिन ये स्थिति इसलिए क्लियर करनी है कि अभी तक मेरे पास ऑथेंटिक कोई लेटर नहीं आया है, और जो ये सूचना फैला रहे हैं मार्केट में, अगर मैं इतना पजल हूँ, मैं कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ हूँ, मैं उनके खिलाफ अगर वो या तो स्वयं आके माफ़ी मांग ले, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का केस लगाऊंगा, और मेरे पास पूरे तथ्य हैं जिसमें क्लियर हो रहा है कि अभी तक प्रदेश लेवल से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है। अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी मेरे को। ये उदयपुर के प्रभारी गोपाल नागर हैं, जो
अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एक तब तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, लेकिन उदयपुर में जो प्रभारी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पे जो कलंक है, वो हाथ से हाथ जोड़ो की जगह हाथ तोड़ो का काम कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ो का काम कर रहे हैं। मेरे साथ रहते हुए उनको साल भर प्रभारी हो गया है, लेकिन मैंने आपके माध्यम से कई कार्यक्रम किए हैं, अगर प्रभारी कहीं नज़र आए हों तो आप मेरे को बता सकते हैं। सेवादल कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। इस संगठन में बड़ी रीति नीति और पूरे प्रोसेस से कोई भी कार्य होता है। रही बात जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य संगठक जो कि अपने आप में एक अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय मुख्य संगठक जी द्वारा की जाती है। उसकी अनुशंसा जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके और प्रदेश स्तर की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिला मुख्य संगठक की नियुक्ति करते हैं। और भाई कौशल जी की जो नियुक्ति हुई वो बिल्कुल प्रोसेस से साथ हुई थी, पर अभी जैसा कि समाचार पत्रों में और बहुत सी जगह से भ्रमक सूचना आई है कि कार्यकारिणी भंग हो गई है, तो मैं भी सेवादल में पिछले कई समय से रह चुका हूँ, आज भी सेवा, मैं अपने आप को भी सेवादल का एक हिस्सा मानता हूँ। तो इस तरह की सूचना आने से लोग जो कार्यकर्ता है उनका हौसला टूटता है कि वो जिसके नेतृत्व में काम करते हैं उसमें ऐसी क्या कमी, अब उसकी कमियाँ ढूंढनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हो गया। तो इस तरह से किसी को भी पदमुक्त करना या उसके पैरेलल किसी को खड़ा करना, ये संगठन को कमज़ोर करने की कार्रवाई है। तो यदि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ रही है तो पहले तो जो संगठन है और उनकी जो कार्यकारिणी, उनको विश्वास में लेके आप पैरेलल अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष या संगठक बनाइए तो अच्छा रहता है। और वैसे भी संगठन में ये कि यदि अध्यक्ष है तो उसके बाद ये नहीं कर पाते, उनकी कोई परिस्थिति है तो उपाध्यक्ष होता है, तो वो पूरी कार्यकारिणी को आपने एक तरफ करते हुए अलग से यदि आपने कार्यवाहक किसी को बनाया है तो मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है, इससे संगठन कमज़ोर पड़ेगा। अभी चुनाव आने वाला समय चुनाव का है, अभी जोड़ने का काम है, राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें तोड़ने का काम नहीं करना है। धन्यवाद।